नमस्कार। आज की वीडियो में हम ऋषिकेश जा रहे हैं और अभी राजाजी नेशनल पार्क ऋषिकेश पे पहुंच गए हैं। ये पूरा वाइल्ड लाइफ एरिया जो आप देख रहे हो, यहाँ पे रात को जानवर भी आते हैं, हाथी भी आ जाता है। ये पूरा वाइल्ड लाइफ रूट है जी। हाँ जी दोस्तों, अभी पहुँचे हम ऋषिकेश, विच इज़ ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड्स योगा कैपिटल। और ऋषिकेश को हिरिकेश भी बोलते हैं, जो कि भगवान विष्णु के नाम पे रखा गया है। आप पीछे देखो, गंगा नदी बह रही है। तो जय गंगा भैया, बड़ा अच्छा व्यू है ऊपर से देखने पे नदी के, मतलब एक व्यू की बहुत अच्छी। ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है, ये ब्रिज है लक्ष्मण झूला। ऋषिकेश में राम झूला एंड लक्ष्मण झूला, ये दो बहुत फेमस हैं। और देखिए गंगा के साथ एक टेम्पल्स हैं। सो जस्ट अभी पहुंचे हैं दी हुवा रिजॉर्ट एंड कैंपिंग में। ये कठिया गांव शिवपुरी तपोवन, आप इसको ऐसे बोल सकते हो। एग्जैक्ट एड्रेस मैं आपको शेयर कर दूंगा। ऋषिकेश में रिजॉर्ट है एंड ऋषिकेश के जो रिजॉर्ट है ना, ये आउटर में है। जितने भी कैंपिंग्स हैं वो आपको शहर में नहीं मिलेंगी, आउटर में ही रहती हैं। तो ये देखो व्यू, देखो रिजॉर्ट का ना, मैंने सुपर व्यू और बहुत अच्छा है। इट फील्स लाइक कि आप नेचर से कनेक्ट हो रहे हो। तो जो लोग दिल्ली NCR या फिर अर्बन सिटीज से आते हैं, अर्बन इन द सेंस जो मेट्रो से आते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा है, चिल आउट के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है ये। तो जब आप आते हो तो इट फील्स लाइक कि मतलब आप यहाँ पे स्टे करते हो तो इट फील्स लाइक कि आप नेचर से कनेक्टेड हो। एक हॉलीडे के लिए अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत एक अच्छी जगह है। बिल्कुल शांत है, गाड़ियों का शोर कुछ नहीं, बिल्कुल मतलब एक बहुत शांत और बेहतरीन जगह है। व्यू आपको दिख ही रहा है, देखिए ये पूरा पहाड़ देखिए। अभी आप ये देखो ना, जो टाइम है जुलाई का टाइम चल रहा है एंड पहाड़ पे देखो व्यू, देखो कितना फॉग है। अगर हम नीचे जैसे शहर में जाएंगे तो देहरादून हो या ऋषिकेश हो, वहाँ पे आपको गर्मी लगेगी। गर्मी यहाँ पर भी है बट टेम्परेचर ठीक है, मतलब कंपेरेटिवली इफ़ यू कंपेयर विद द सिटी थोड़ा सा बेटर है। एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए इट्स अ गुड लोकेशन। ये है होया रिजॉर्ट, पूरा व्यू देखिए आप, आई मीन इट्स अ सुपर व्यू एंड बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे यहाँ पे आप आओगे ना, इट फील्स लाइक कि आप नेचर से कनेक्टेड हो। तो रिजॉर्ट तो बहुत अच्छा बना है। रिजॉर्ट में सबसे अच्छी बात पता है, मतलब वैसे तो बहुत सारी खासियत हैं। एक यहाँ पे ना एम्पल स्पेस ऑफ पार्किंग है, तो पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्रॉक्स 50-55 कार्स आपकी इजिली पार्क हो जाती हैं, तो पार्किंग का कोई इशू नहीं है। बाकी व्यू तो है ही है जो है। अंदर आ गए हैं और रिसेप्शन एरिया पे बैठे हैं खुद देव साहब। क्या हाल है भैया? बहुत बढ़िया, आप बताओ क्या हाल चाल है? सब मजे में। बाप बहन अच्छा, नमस्ते हैं, नमस्ते वाले, नमस्ते वाले। अच्छा, सैनिटाइजर VLCC रखा है आपने? हाँ, VLCC। यार एक चीज बताओ, लोगों को नॉर्मल नहीं मिल रहा, VLCC दे रहे हो, क्या करें? सेफ्टी सिक्योरिटी सब चीजें जरूरी है ना। ठीक है, अच्छी बात है। तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है भैया, कहते हैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, नमस्ते करूंगा, पर सैनिटाइज करा लो, बहुत जरूरी है। दुनिया वापस आ रही है नमस्ते की तरफ, बिल्कुल। चलो अच्छी बात है, सनातन संस्कृति चलनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और ये जो रिजॉर्ट है ना, ये देखो नीचे से दिखा रहा हूँ, अंदर से आपको। इसमें टोटल 30 रूम्स हैं, जिसमें आपकी बैम्बू कॉटेजेस और आपकी वुडन कॉटेजेस दोनों हैं। और पार्किंग मैंने आपको बताया, बहुत स्पेशियस पार्किंग है, तो ऐसा पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, साथ में घुमाता हूँ आपको रिजॉर्ट।
अभी रिजॉर्ट में नीचे आए हैं। नीचे इन द सेंस पहाड़ का एरिया जो होता है ना ऊबर खाबड़ होता है, ऊबर खाबड़ इन द सेंस नॉर्मल जो ऊपर स्लोप्स होते हैं, तो नीचे वाले स्लोप पे आप ये देखो स्विमिंग पूल बना है और काफ़ी बड़ा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने के लिए पूल बना दिया है, एक अच्छा स्पेशियस है। व्यवसायी बोल रहा हूँ, आप लोग दिल्ली मुंबई बैंगलोर से दुनिया भर की जगहों से ऋषिकेश घूमने आते हैं और दारू वगैरह पीते हैं, जो भी इन्जॉयमेंट रिवर के पास में आप करते हैं, आप इन्जॉय कीजिए, पार्टी कीजिए, पर ऐसे बोतलें ना फोड़ें। इससे क्या है कि प्रदूषण भी होता है, इन्वायरमेंट गंदा होता है, किसी के पैर में चुभ सकता है, किसी को हानि हो सकती है। अभी जैसे भैया इन्होंने दिया है, फाउंड किया है, ये देखिए किसी ने फोड़ के चले गए, तो प्लीज़ इन्जॉय कीजिए पर गंदगी ना कीजिए। अभी आपको भैया ने बताया ही है, एक्चुअली ये जो भैया है ना, इनका भी यहाँ पे कैंप है और ये लोकल हैं। देखो आप आओ पार्टी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे पॉल्यूशन फैला के कोई बेनिफिट नहीं है ना। जो दूसरे लोग आते हैं, जैसे हम ही लोग हैं, अगर ये किसी के पैर में चुभ जाए तो बेकार की इंजरी हो जाएगी, तो एंड ऑफ द डे जो प्रॉब्लम होती है वो टूरिस्ट को ही होती है। तो आप ऐसे बॉटल मत फोड़ो। दूसरा क्या है ना, देखो आसपास गरीब लोग रहते हैं, अगर आप बॉटल इसको एज इट इज़ रख भी दोगे बिना तोड़े, तो हो सकता है उस बॉटल को वो रिसाइकल के लिए भेज दें। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन आपकी ड्यूटी है, आप इसको फॉलो कीजिए। बाकी आओ, इन्जॉय करो, मजे करो।